नमस्कार, हम बलराम किसान हैं और आप हैं बी किसान स्मार्ट फार्मिंग में। आज आपके लिए चैप्टर है 9, VM। वी का मतलब होता है वाइसेनोमेटा और एम का मतलब होता है मिट्टी। यह एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, पूरे विश्व में किसी भी प्लांट को रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना, रस चूसक कीट, सकिंग पेस्ट, इल, कीड़े मकोड़े, फंगस और न्यूट्रिशन की पूर्ति करना और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्शन करना। यह कॉम्बिनेशन VM स्प्रे कहलाता है और इसकी मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जो व्यक्ति मेरे साथ में वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक टिकने वाला है, उसके पास आ जाएगा किसी भी फसल में स्प्रे के माध्यम से मिट्टी का उपयोग करके हम सभी तरह के पेस्टिसाइड्स का खर्चा पूरा ज़ीरो कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। मैं बलराम किसान हूँ बड़वानी मध्य प्रदेश से। आप हैं बी किसान स्मार्ट फार्मिंग पर और किसान पाठशाला के साथ में हम चल रहे हैं 9 नंबर चैप्टर, जो वाइसेनोमेटा कहलाता है। यह वाइसेनोमेटा पेटेंसी टेक्निक से हमारे साथ में आ रहा है, बी किसान ग्रुप लेकर के आ रहा है। और मैं, यह बी किसान की प्रोडक्ट लिस्ट है जो 21 प्रोडक्ट को रेकमेंड करती है, जिसमें 9 नंबर वाला प्रोडक्ट जो है वो है वाइसेनोमेटा। यह 500 ग्राम के पाउच में आता है, 500 रुपये का आता है और इस तरह का पैकिंग आता है। मैं विस्तृत में फुल्ली कॉमर्शियल आज वीडियो बना रहा हूँ, जो लर्न एंड अर्न के तहत भारत के हर बच्चे तक जाएगा। दिस इज वाइसेनोमेटा, VASINOMETA। इसमें आता है सुक्रोज प्लस गोवर्क। सुक्रोज और गोवर्क का कॉम्बिनेशन एक यूनिक आइडेंटिटी है। सुक्रोज कहीं से भी मिल सकता है, गन्ने के रस में आता है, मीठी हर चीज़ों में आता है, उसके अलग अलग प्रकार है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यह मिठास से निकलने वाले कुछ तत्व है। वाइसेनोमेटा के अंदर गोअर्क को हम ट्रीट करके सुक्रोज के साथ में ऐड करते हैं और यह विश्व में एकमात्र प्रोडक्ट बी किसान ग्रुप के पास है। आप 9424538222 पर कॉल करके इसे होम डिलीवरी बुला सकते हैं। पैन इंडिया इसका डिस्पैच है, गवर्नमेंट का जो डाकघर है उसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। आपके नज़दीकी जहां भी डाकघर होगा वहां पर आएगा। काम कैसे करता है क्या ये, और पैन इंडिया इसका रेट क्या है, मैं मेन चीज़ें बतला दूं ताकि आखिर तक आप मेरे पास रहो शुद्ध रसा लेने के लिए। मेन चीज़ है 500 ग्राम का पाउच आता है, 500 रुपये इसका रेट है, जो आपके वहाँ होम डिलीवरी आएगा। एक पाउच का 16 रुपये का कोरियर चार्जेस है पर पाउच। पैन इंडिया जहाँ पर भी आपको आवश्यकता है 16 रुपये कोरियर चार्जेस। किन फसलों में काम में आएगा, वाइसेनोमेटा की विशेषता क्या है, और वाइसेनोमेटा आज की तारीख से आगे भविष्य में हम हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप डॉक्टर जो डिज़ाइन कर रहे हैं उनके साथ में आपके घर तक अगर आपको सुविधा चाहिए तो डेमो के थ्रू आपको मिलेगा, बट आपके क्षेत्र में जो क्रॉप डॉक्टर होगा उनके सहित। क्रॉप डॉक्टर की ज़रूरत पूरे भारत में हर फार्मर की नीड है। एक्चुअली फार्मर ने ही क्रॉप डॉक्टर बनना चाहिए, किसान ने खुद ने अपनी फसल का चिकित्सक बनना चाहिए। इसके लिए किसान पाठशाला ग्रुप सतत प्रयास कर रहा है और वाइसेनोमेटा को आप तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। काफ़ी किसानों का क्वेश्चन था वाइसेनोमेटा है क्या। वाइसेनोमेटा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड में अभी तक किसी ने इजाद नहीं किया और इसकी रेसिपी ओनली बी किसान ग्रुप के पास है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, पूरे विश्व में जो भी टिश्यू कल्चर लैब पौधा तैयार करती है वो बोतल के अंदर तैयार करती है टेस्ट ट्यूब बेबी में, जिसमें 20% अगार और 80% हवा रहती है। लगभग जो अच्छे टिश्यू कल्चर है वो 30% करते हैं और 70% करते हैं। तो ये जो मीडिया यहाँ पर आता है 30% का, ये मीडिया है क्या। इस मीडिया में आता है
70% सुक्रोज, 20% अगार जेल, 10% में पानी और न्यूट्रिशन। अब ये अगार जेल हर टिश्यू कल्चर कंपनी पौधे बनाने में काम में लेती है, इसके अलावा कोई भी रेसिपी दूसरी नहीं आती है। ये जो न्यूट्रिशन है, इस 10% में पानी और न्यूट्रिशन है, इसमें केवल फेरबदल होता है, लेकिन ये जो सुक्रोज है इसमें और अगार जेल में कोई फेरबदल नहीं होता है, और इसमें प्लांट को रखा जाता है, हेलो, इसमें पौधे को रखा जाता है। और यह जो पौधा होता है, यह पौधा 28 दिन में, हेलो, 28 दिन में अपनी शाखाएं निकालना चालू करता है। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी होती क्या है और बलराम किसान के माइंड में ये क्यों आया कि यह सुक्रोज फार्मर के खेत तक, उसके प्लांट तक पहुंचना चाहिए। दुनिया की हर टिश्यू कल्चर कंपनी यही थ्योरी अपनाती है, और इस थ्योरी के अलावा कोई दूसरी थ्योरी है भी नहीं कि प्लांट को मल्टीप्लीकेशन के तरीके से अनेक पौधे बनाए जाए एक पेशी को लेकर के। यहाँ पर सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे केले का पौधा जो आता है, केले के पौधे में यहाँ पर कंद आता है, उस कंद का ये जो इस तरीके से कंद आता है, इसमें नीचे होता है बोल और यहाँ से होते हैं पत्ते, तो इसका सेंटर का हिस्सा एक लिया जाता है, 1 इंच बाय 1 इंच का एक हिस्सा लिया जाता है, या 1 इंच बाय 1 इंच का हिस्सा यहाँ रखा जाता है, जिसमें आधा सुक्रोज में गाड़ दिया जाता है, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है। और यह जो ढक्कन आता है, यह बंद ढक्कन, सील्ड पैक ढक्कन, एयर टाइट ये बोतल, सूर्य की रोशनी की बजाय कृत्रिम वातावरण की रोशनी में रखा जाता है, और यहाँ पर प्लांट का डेवलपमेंट होता है, नई पेशी का डेवलपमेंट होता है। तो हमने रिसर्च करके यह समझा कि पूरी दुनिया सुक्रोज में पनप रही है, प्लांट की पूरी दुनिया सुक्रोज में पनप रही है। यह 2006 से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 2014 में जब मैंने खुद ने मेरा टिश्यू कल्चर लैब डाला बड़वानी मध्य प्रदेश में, बड़वानी जिले में, तो हमने इसको लार्ज स्केल पर ट्रायल किया 2012 से 14 तक। 14 में जब मैंने खुद ने टिश्यू कल्चर लैब डाला तो प्रूवन हुआ कि इस टेक्नोलॉजी के अलावा विश्व में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक पेशी से अनेक पौधे तैयार करें। यह टेक्नोलॉजी कहा जाता है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। और यहाँ से पी किसान ग्रुप और किसान पाठशाला के दिमाग में आया कि सुक्रोज कितने काम कर सकता है और वह प्लांट को क्यों आवश्यक है। इस बंद बोतल में यह जो पौधा 28 दिन के लिए सर्वाइव कर रहा है, इसको कोई अदर भोजन कुछ नहीं है। फार्मर को सिखाया गया है आज तक कि पौधे का भोजन, हेलो, पौधे का भोजन DAP, यूरिया, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ETC, यह पौधे का भोजन है। अगर पौधे का भोजन यह है तो दुनिया की कोई भी टिश्यू कल्चर लैब इस अगार जेल में सुक्रोज को ही क्यों उपयोग करती है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि सुक्रोज के अलावा ऐसा कोई सा भी तत्व नहीं है जो पौधे का 100% भोजन हो। हेलो थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो तो पकड़ के नीचे लाओ, मेरी जो छोटी छोटी बातें उनको समझने की चेष्टा करो। सुक्रोज जिस भी पानी में डलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मैं श्वसन क्रिया कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पौधे सांस ले रहे हैं तो उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम ये समझ में आए यहां तक, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे जाए फिर से देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं तो ये बोर्ड फिर से मैं रिफिल कर सकूंगा आपको जानकारी देने के लिए। जो अभी अभी मुझे देख रहे हैं रिवर्स जाकर के शुरुआत से देखें, हम वाइसेनोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं, बी किसान ग्रुप का जो एक यूनिक प्रोडक्ट है वाइसेनोमेटा, उसकी बात कर रहे हैं। सुक्रोज पानी में जाते से ही कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब हम 200 लीटर का बैरल लेकर के किसी भी प्लांट पर स्प्रे करते हैं, कोई सी भी दवाई का स्प्रे करते हैं, तो जो पौधा होता है उस पौधे की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता रहता है। यहां पर
सारा का सारा हरा तत्व है और यह फोटोसिंथेसिस करता रहता है। यहाँ रोम छिद्र हैं, इनके छोटे छोटे से पोरस हैं, ये पोरस सूर्य की रोशनी से एनर्जी को सोख करके भोजन जितना बनाया पौधे ने, उस भोजन को नीचे से ऊपर तक ले जाना, ऊपर से नीचे तक लाना, ये सारी प्रक्रियाएं करती है ये फोटोसिंथेसिस। जो भोजन नीचे से ऊपर गया उनको पकाएगी धूप में, श्वसन क्रिया करेगी और जितना भोजन पका उसको प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाएगी और वहां पर फिर फूल और फल और बोल की निर्मिति होगी। यहां पर फूल फल बोल की निर्मिति होगी और यह फल हमें आउटपुट में मिलेगा और यह आउटपुट हम बाजार में ले जाएंगे और हम खुद खाएंगे। तो फल का डिज़ाइन होगा पत्तों से और पत्तों में श्वसन क्रिया होगी फोटोसिंथेसिस से। जो सूर्य की रोशनी बिखेर रही है, कुदरती रोशनी, वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्रहण की जाती है। कोई सी भी पेड़ पौधे की मांस मज्जा पेशी बनती है फोटोसिंथेसिस के बाद में, और रोम छिद्र ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम 200 लीटर के बैरल से किसी भी तरह का स्प्रे करते हैं तो उसमें फार्मर के पास क्या टेक्नोलॉजी है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट तक आसानी से पहुंचा दे। हेलो, जब एक ह्यूमन बॉडी गड़बड़ होती है, एक्सीडेंट होता है या तबीयत ज़्यादा खराब होती है, कुछ भी होता है, जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो पहला ट्रीटमेंट अगर इमरजेंसी है तो ऑक्सीजन मास्क। प्लांट को कुछ भी गड़बड़ होती है तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड देता है उनको? एनीथिंग एल्स? ओनली सुक्रोज। वाइसनोमेटा के अंदर सुक्रोज है और एक लीटर पानी में एक ग्राम वाइसनोमेटा डलता है तो यह पानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी सीधे पत्तों के ऊपर स्प्रे के रूप में जब जाता है, यहां पर जब स्प्रे के रूप में जाता है तो पौधा तरोताजा होकर के श्वसन क्रिया एकदम स्पीडली करता है और कुछ भी ना खाना मिले, कुछ भी ना पानी मिले और केवल सुक्रोज वाला वाइसनोमेटा वाला पानी अगर स्प्रे कर दिया जाए तो प्लांट हेल्दी होकर के स्मूथली सांस लेने लगता है, फर्स्ट प्रक्रिया। उसके बाद में जब इसमें हम मिट्टी का कॉम्बिनेशन करते हैं, VM मैंने बोला, वाइसनोमेटा और मिट्टी, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसनोमेटा, 20 केजी जंगल की मिट्टी, यह 24 से 36 घंटे के लिए, अवर के लिए इसको भिगो कर रखना है। दिन में 2 से 3 बार हिलाना है, ऊपर नीचे हिलाना है, समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे जब बैरल कोई सा भी हम भरते हैं तो उसमें एक क्रॉस बना करके सीधा डंडा डालें और यह जो बैरल है, इस बैरल में इस हुक को पकड़ के ऊपर नीचे जब हिलाएंगे तो यह पानी पूरा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। यह पानी जब ऊपर नीचे जाता है तो हमारा मटेरियल पूरा घुलता है। आप जो भी स्प्रे कर रहे हैं उसमें हम ऐसा हिलाते हैं, इस तरीके से हिलाने में पानी नीचे का नीचे हिलता रहता है, ऊपर का पानी ऊपर हिलते रहता है। जब हम ये चौकड़ी डाल करके इस डंडे में हुक लगा करके इसको जब ऊपर नीचे खींचते हैं तो ये ऊपर नीचे खींचने की प्रक्रिया में पूरा पानी ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। तो जो VM स्प्रे हम बनाते हैं या आप कोई सा भी स्प्रे कर रहे हो, इस तरीके से अगर हिलाएंगे डंडे को ऊपर नीचे तो पूरा पानी एक मैक हो जाएगा। VM स्प्रे में मैं इसी को प्रेफर करता हूँ कि इसी को आप एक इस तरीके से चौकड़ी बना करके डंडा बाहर रखो और इसको हिलाओ तो ये जो मिट्टी ऊपर नीचे जाएगी यह एक क्ले जनरेट करेगी 24 से 36 घंटे के अंदर। और यह क्ले वाला पानी आपके प्लांट पर जब स्प्रे के रूप में काम में आता है तो दुनिया का कोई भी सकिंग पेस्ट, कोई भी तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर, इल उस पत्ते को खाता नहीं, उस पत्ते पर रहता है पर उस पर जीवन यापन करता नहीं, क्योंकि मिट्टी की सौंधी खुशबू और जो पोरस खुलते हैं उसमें मिट्टी के कण अटकते हैं। जब सुबह सूर्य उदय के समय जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने पोर्च को खोलता है तो वहाँ से एक चिपचिपा हल्का सा पदार्थ निकलता है और वह चिपचिपा पदार्थ सभी तरह के माइट्स, थ्रिप्स, सकिंग पेस्ट को इनवाइट करता है और वहाँ खाने के लिए स्पेस देता है और यह सारे के सारे शाकाहारी प्राणी उस प्लांट को
खाने के लिए आते हैं और उसके क्लोरोफिल को, उसकी पत्ती को, उसके डंडे को, टहनी को, पूरे को चट करते हैं। जब यह मिट्टी वाला पानी वाइसेनोमेटा के साथ में प्लांट पर जाता है तो एक तो इसकी श्वसन क्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ती है और इसकी मांसपेशियां एकदम खिलखिलाकर चलती है, और ये मिट्टी के क्ले वाला पानी जब इसको हम 24 से 36 घंटे रखते हैं तो कम से कम 2 बार कप्पड़ छान करनी है। हेलो, कितनी बार? 2 बार। आप भी बता सकते हो जो मुझे सुन रहा है। एक बार कपड़े से छाना तो बड़े कंकर, रेत, मिट्टी सब निकलेगी। दूसरी बार जब कपड़े से छाना तो केवल मटमेला पानी जाएगा, हल्की सी क्ले जाएगी और वह क्ले इस पर पूरी की पूरी लेपित होगी, और यह क्ले लेपित होने के बाद में इस तरीके से हल्का हल्का दिखेगा नहीं, महीम लेपित, और पूरे प्लांट को नहलाना है। कोई भी सकिंग पेस्ट क्ले को खाकर पचा नहीं सकता। अगर उसने थोड़ा सा भी क्ले खाया है तो उसकी आते, उसकी पेट की संरचना ऐसी नहीं है कि वह क्ले को पचाए, तो उसको रिटर्न भूख लगती नहीं, भूख लगती नहीं, तो वह ऐसे ही घूमता फिरता रहता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है। और वहाँ पर उसका जो एक खुशबू रहता है कि प्लांट की खुद की खुशबू, उसकी बजाय जब मिट्टी की खुशबू वहाँ पर आ जाती है तो हर सकिंग पेस्ट को यह फीलिंग आता है कि यह प्लांट के ऊपर नहीं बैठा है, यह मिट्टी के ऊपर बैठा है। अब इसमें 20 किलो मिट्टी जो हमें लेना है, यहाँ तक समझ में आया? मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये 20 किलो मिट्टी कहाँ की लेना है। आप कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कोई सी भी फसल लगा रहा है जिसमें स्प्रे की आवश्यकता है, आपके नज़दीकी बी किसान ग्रुप का क्रॉप डॉक्टर कौन है, या आप खुद क्रॉप डॉक्टर बन सकते हैं, उनसे डेमो आप अपने प्लाट पर डलवाइए। आप 3 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़ की जो भी फसल कर रहे हैं उसके बीच में आधा एकड़, 1 एकड़ का VM स्प्रे कीजिए एज ए डेमो के तहत, और रिजल्ट देखिए। प्लांट लगने से लेकर हार्वेस्टिंग तक आप जो भी स्प्रे कर रहे हैं कैंसर को बुलाने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए, फील्ड को ख़त्म करने के लिए, जो मेरा मित्र दवाई डाल रहा है उसको कैंसर से पीड़ित करने के लिए हम ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उसको तुरंत आज की तारीख में रोकिए। मिर्च, टमाटर, भिंडी, खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज, XYZ जो भी आप फील्ड लगा रहे हो और उसमें जो भी रासायनिक पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हो वो 100% कैंसर को इनवाइट करने के लिए कर रहे हैं। ये स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, हमें जानकारी नहीं है। मिट्टी का स्प्रे पूरे दुनिया में प्रचलित है पर भारत क्यों इसे अडॉप्ट नहीं कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है। मिट्टी के स्प्रे की इजाद जिन्होंने कही है, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी जो हैदराबाद के हैं, और उनको भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया है कि आपने मिट्टी के स्प्रे की इजाद करी। जॉर्ज बुश जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के तो उनसे मिलने के लिए हैदराबाद आए, उनको सम्मानित किया कि इतना अच्छा यूनिक आपने खोज किया है कि मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो। उनको ऑलरेडी पेटेंट उन्होंने ले रखा है कि मिट्टी के स्प्रे में क्या पेटेंट है, पर हम भारतवासी अगर इसको अपने खेतों में करें तो मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे स्वर्णिम भेंट होगी हम कैंसर से बचें इसके लिए। किसान पाठशाला ग्रुप और बी किसान की टीम ने मिल करके पूरे भारत में सैकड़ों ट्रायल किए। मिट्टी की स्प्रे के साथ वाइसेनोमेटा का कॉम्बिनेशन करके जब हमने स्प्रे किया तो एक यूनिक आइडेंटिटी निकल के आई। सिंगल मिट्टी का स्प्रे हम कर रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे फायदे हैं जो चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी जी ने दिए हैं, आप सिंगल उनकी थ्योरी लेकर कर सकते हैं। लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल्स किए कि सुक्रोज वाला पानी जैसे ही प्लांट के ऊपर जाता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वो खिलखिला करके चलता है। कॉटन है, मिर्च है, टमाटर है, भिंडी है, गन्ना है, XYZ कोई सा भी प्लांट हो, आम है, नींबू है, सीताफल है, बैंगन है, केले पर हम केले पर स्प्रे कर रहे हैं VM स्प्रे, केले के फल पर हम कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। बी किसान ग्रुप का जो आप केला ग्रहण करेंगे उसमें कोई बर्ड इंजेक्शन नहीं है, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन हमने दिया तो सुक्रोज के अंदर, वाइसेनोमेटा के अंदर सुक्रोज और गोअर्क है। गोअर्क जो हमने दिया उसमें तो दूसरी चीज़ें जो एक्स्ट्रा जा रही थी वो रुकी। हमने हमारे ऊपर प्रूफ किया है, मैं उदाहरण सरल भाषा में देता हूँ फार्मरों को, कि जब आप घाट पर जाते हैं और किसी को छोड़कर घर वापस आते हैं तो घर आने से पहले
माएँ अपने बच्चों को या जो भी आता है उनको गौमूत्र के दो छींटे देती है कि जो भी दूषित नेगेटिव चीज़ें हैं घर से बाहर जाएं और आप शुद्ध होकर के अंदर आओ, और फिर आपके कपड़े आपको नहलाना करना एक तरफ होता है, फिर आप घर में शामिल होते हो। तो जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में आए तो वो रुक जाती है गौ अर्क से, गौमूत्र से। ये प्रूवन है, मैंने खुद ने प्रूव किया है। और हमने वाइसिनोमेटा में सुक्रोज के साथ जब गौ अर्क मिलाया तो उसके कई सारे अनबिलीवेबल रिजल्ट आए। यहाँ तक समझ में आया? अब मुद्दे की बात, मिट्टी कहाँ की लेना है वो 100% आपको समझने की आवश्यकता है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, मिट्टी कहाँ की लेना है यह नहीं समझे तो यह स्प्रे कोई काम का रहेगा नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं कि आपने किया क्या, आपको करना क्या। हेलो, बुलाना कहाँ से है? 9424538222, यह बी किसान ग्रुप का ऑफिस का नंबर है। यहाँ कोरियर करेंगे, अपना नाम एड्रेस भेजेंगे, आपको होम डिलीवरी आएगा। ओके, मिट्टी कहाँ की लेना है? मिट्टी समतल जगह पे, कम से कम 5 से 7 फीट गहरा गड्ढा करना है। हेलो, जो 200 लीटर पानी की बैरल में 20 किलो मिट्टी डालेंगे, वाइसिनोमेटा जो 200 ग्राम डलेगा वो तो बी किसान ग्रुप भेज देगा, बट मिट्टी कहाँ की लेना है ये मुद्दा है। अपने खेत की नहीं, खेत से बाहर, जिनका खेत 100% ऑर्गेनिक है, रेसिड्यू फ्री है, वो अपने खेत से ले सकते हैं। जहाँ पर बार बार कल्टीवेशन कर रहे हैं, जहाँ यूरिया डीएपी पोटाश डाल रहे हैं, वहाँ की मिट्टी नहीं लें। कांटे वाले पेड़ पौधे के नीचे की मिट्टी नहीं लें, वो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी है। बट खेत के बाहर मेड़ पे, मेड़ के बाहर या जंगल में 5 से 7 फीट गहरा गड्ढा, 7 फीट हो तो बहुत अच्छा, मिनिमम 5 फीट गहरा गड्ढा करें। पहली बार जो गड्ढा किया है तो इसकी पाली बना दें। हेलो, यह पाली थोड़ी सी ऊंचाई पर हो ताकि बारिश का पानी इसके ऊपर अंदर जाए ना, ताकि यही गड्ढा आपको बार बार काम में आ जाए। समझ में आ रहा है? अब ये जो एक बार खोदा है ये तो ऊपर से नीचे तक की मिट्टी है, इसको आप स्टोर करके अंधेरे में रखें, अंधेरे में रखें, लाइट में नहीं, तो वह मिट्टी काम में ले सकते हो। ये ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी चाहिए इसमें 20 kg, और बाद में इसको पूरा काले प्लास्टिक से, काले टब से, किसी से ढक दें ताकि कोई जानवर अंदर ना गिरे, आपका पैर ना जाए और रोशनी भी ना जाए। तो वापस इससे हम पुनः मिट्टी निकाल सकते हैं, लेकिन जब अगला स्प्रे करो तो ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी छीलना है। हेलो, समझ में आ रहा है? यह पूरी मिट्टी छीलना है ऊपर से नीचे तक की, और 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी लेना है। 10% मिट्टी लेना है, उससे कम नहीं, कम से कम। जब केले के बंच पर स्प्रे करते हैं तो 200 लीटर पानी में 5 kg मिट्टी लेना है, कम लेना है। जब फ्रूट केयर के लिए केले पर स्प्रे करोगे तो 200 लीटर पानी में 5 किलो मिट्टी। अब इस मिट्टी में है क्या? ये मिट्टी न्यूट्रिशन का क्यों काम करती है? यह मिट्टी सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट को क्यों भगाती? क्या इसमें है? आपको सुनना बहुत ही अति आवश्यक है। कुदरत की रचना है कि यह जो पृथ्वी की लेयर है, इससे 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे एक जीव जीवात जीवस जीवनम का एक इकोसिस्टम डेवलप्ड है, जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी और कीट पतंग कॉलोनी है। इस पृथ्वी की सतह से 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे यह एक जो सतह है 3 फीट की, ऑल आवर वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी पर 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे ये जो सतह है, ये सतह एक बैक्टीरियल कॉलोनी, एक कीट पतंग तुड़तुड़ा महुआ मक्खी की कॉलोनी है ऑलरेडी। और यहाँ की जब मिट्टी, हम 1.5 फीट की यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं, तो यह सभी तरह के बैक्टीरियल फंगल और सभी तरह के कीट पतंग मिलते हैं। उदाहरण में देता हूँ, पुराने ज़माने में माएँ, आज हमारे पास फ्रिज आ गया है, आज हमारे पास स्टोरेज किचन अलग से बना लिए हैं, लेकिन जस्ट एक सदी पहले, 10 साल पहले, अभी भी कोई कोई से घर में कि दाल बनती है तो उसको दाल को नीचे नहीं रखते, ऊपर छीके पर टांगते हैं। अभी आपको देखना हो तो मटन मार्केट में आप जब जाएंगे
तो जो मीट कटा हुआ है वो नीचे नहीं है, ऊपर टंगा हुआ है। क्यों? नीचे अगर रखा तो नीचे जो ये 1.5 फीट की बैक्टीरियल कॉलोनी है, यह बैक्टीरियल कॉलोनी उसको सड़ाने लग जाएगी। अगर दाल हमारी जो बनी हुई नीचे है, गर्मी के दिन है, तो आधे दिन में ही दाल ख़राब हो जाएगी। उसको ऊपर छीके पर टांगते हैं ताकि बैक्टीरियल कॉलोनी से ऊपर हो। हम खुद 1.5 से 2 फीट, 1.25 फीट की हाइट की चौपाई पर सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, हम नीचे क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि यह बैक्टीरियल कॉलोनी जब हम नीचे अगर धरती पर सोएंगे, ज़मीन पर, तो श्वास के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंतों में जाएगी और हमारे पेट को, हमारे शरीर को गड़बड़ करेगी। तो ये जो 1.5 फीट की लेयर है, इसमें जीव जीवात जीवत कॉलोनी बहुत सारा महासागर है। इसके नीचे हम जाएंगे, जैसे ही इसके नीचे जाएंगे तो अगले 1.5 फीट की जो लेयर है, यह न्यूट्रिशन का महासागर है। कैसे? न्यूट्रिशन का महासागर इस तरीके से है कि जो भी पृथ्वी में पेड़ पौधे कच्चे पक्के जो पड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ये एक जगह से दूसरी जगह पर चलती फिरती रहती है। प्रकृति का एक नियम है जो शायद आपको अभी तक पता होगा, बट नहीं जानकारी हो तो मैं बतला दूँ, जो मुझे थोड़ी सी जानकारी है। दो तरह के प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। दो तरह के प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर, एक है चल और एक है अचल। हेलो, बहुत ही ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ गए तो पौधे का भोजन है क्या और मैंने फार्मिंग कैसे करना चाहिए, ये जीवन में किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक प्राणी है चल, जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकता है, चलने फिरने वाला प्राणी। आप में कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, सांप, बिच्छू, एक्स वाई जेड, जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, ओके। आप में कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, बच्चा, बच्ची, सभी कुछ, टू गुड ना। एक जगह से दूसरी जगह जो चल फिर सकते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी आता है, फंगाई भी आती है, कीट पतंग भी आते हैं, तुड़तुड़े भी आते हैं, महावा, मक्खी, मच्छर भी आते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरे प्राणी हैं स्थिर पेड़ पौधे, कोई सा भी पेड़ पौधा ले लो, जो रूट के कारण एक ही जगह स्थिर हैं, इन्हें कहते हैं अचल, जो चल फिर नहीं सकते। एक हुआ चल, एक हुआ अचल। ये जो चल फिर नहीं सकते यह प्राणी, और जो चल फिर सकते हैं यह प्राणी, एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? पूरी बात को ध्यान से समझने की चेष्टा करना। जो मेरा हृदय है वो कहीं ना कहीं यहाँ पत्तियों के माफिक लटक रहा है, और जो इनका हृदय है वो यहाँ कहीं न कहीं मेरे फेफड़ों के माफिक लटक रहा है, मेरे अंदर चल रहा है। मैं लेता हूँ ऑक्सीजन, ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ रहा है। मैं जो श्वास ग्रहण करता हूँ वो आती है पेड़ पौधों के पत्तों से, पेड़ पौधे जो श्वसन क्रिया करते हैं वो जाती है मेरे फेफड़ों से, मेरे नास मज्जा से, मेरी नलियों से। तो यह प्रकृति का एक कॉम्बिनेशन है कि चलने फिरने वाले प्राणी की श्वसन स्थिर प्राणी लेता है, और स्थिर प्राणी की श्वसन चलने फिरने वाला प्राणी लेता है। तो पूरी सृष्टि में केवल दो तरह के प्राणी हैं, यह दिमाग में बात को ठसा लो। रास्ते चलने वाला कुत्ता, पेड़ पे चहकने वाली चिड़िया, वह भी मेरी ही बॉडी का एक हिस्सा है। दो ही कैटेगरी बनाकर रखी है। अब दूसरी कैटेगरी, दूसरी बात, इस दो कैटेगरी में, इन दो कैटेगरी में जब इस पेड़ पर लगा आम और जब मैं पोटी करके आया, तो ये जो है ये सारा का सारा फर्टिलाइजर काम करता है पेड़ों की जड़ों पर, और ये आम सीधे के सीधे मैं खा सकता हूं। समझ में आ रहा है संरचना? गेहूं, चावल, चना, ज्वारी, बाजरा, आम, जाम, नींबू, सीताफल, सारे के सारे मैं खा सकता हूँ। ये आम
अगर कोई तोड़ने ना जाए तो इस पेड़ के किसी काम का है? टूट कर गिरेगा, इसके कोई काम का है? नहीं। जो चलने फिरने वाले प्राणी है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, केचवा, नेवला, मैं, आप, पूरी सृष्टि में जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, केचवा, वर्मी वर्म, वर्मी वॉश, हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं ना खाद बना करके, हम गोबर को सड़ाते हैं तो उसको बैक्टीरिया खाते हैं, तो बैक्टीरिया खाते हैं उनकी जो विष्ठा निकलती है वही सड़ती है। गाय चारा खाती है, गोबर करती है, बकरी चारा खाती है, गोबर करती है, तो ये जो गोबर है, ये जो गोबर है, ये पेड़ पौधों का भोजन है। चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा स्थिर प्राणी का भोजन है, स्थिर प्राणी की विष्ठा चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। यह कॉम्बिनेशन आपने समझ लिया तो आप वीएम स्प्रे की संरचना और इस प्रकृति की संरचना समझ लोगे। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, हेलो फिर से दर्शाता हूँ, यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वह जो खाती पीती एक दूसरे में जीती है, वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, बट वो चलने फिरने वाले जो प्राणी है उस पर जब बारिश का पानी आता है तो वो रसा गिर कर नीचे जाता है, वो अगले 1.5 से 2 फीट 3 फीट तक रसा नीचे जाता है, और उसके नीचे अगर जाओगे तो गर्भगृह में यहाँ पर नीचे और कई सारे कीट पतंग हैं जो गर्भगृह में रहते हैं, जिनको कहते हैं केचवे, गांडुली और अनेक तरह के, जो 1 से 2 मीटर नीचे रहते हैं, जो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी पीते हैं, मिट्टी में जीते हैं, मिट्टी में सीते हैं। तो ये जो ऊपर से नीचे तक की संरचना है, यह बैक्टीरियल कॉलोनी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का महासागर है। इसमें खुद अपने आप में मिट्टी क्ले है, तो जब स्प्रे जाता है पत्तों के यहाँ पर तो पत्ते खिलखिलाकर हंसते हैं, क्योंकि इसमें वाइसेनोमेटा में सुक्रोज है, गो अर्क है, और 20 किलो आपने मिट्टी डाल रखी है। यह 24 से 36 घंटे के अंदर जब प्लांट पर स्प्रे के लिए जाता है तो प्लांट को और दूसरे किसी दुनिया के स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। यह किसान पाठशाला ने प्रैक्टिकल किया है, आपको प्रैक्टिकल करना है तो उनके लिए एक यह नंबर है। दूसरा, लर्न एंड अर्न के तहत हम एक कैंपेनिंग कर रहे हैं जिसमें हम पूरे भारत के हर गांव में एक क्रॉप डॉक्टर बना रहे हैं, जिसकी एक पूरी सीरीज चल रही है 90 दिन की, और यह सीरीज आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें लर्न एंड अर्न के तहत एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, यह नंबर आप बात करेंगे तो आपको इसमें भागीदारी मिल जाएगी और आपको डेमो यूनिट मिल जाएगी। 9754138222, यह हमारे मार्केटिंग हेड हैं किरण जी, इनसे आप बात करेंगे तो आपके क्षेत्र में जहाँ पर हमारे क्रॉप डॉक्टर होंगे उनके थ्रू आपको डेमो ट्रायल दिलाया जाएगा एज ए वाइसेनोमेटा का। वाइसेनोमेटा की आपको ज़रूरत है तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा 9424538222 यहाँ पर। जो क्रॉप डॉक्टर करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक नंबर दिया है सबकाले जी का, दूसरा नंबर एक और है 90815 38222, यह क्रॉप डॉक्टर के लिए नंबर है, यहाँ पर आप अपना डेटा भेज सकते हैं और क्रॉप डॉक्टर के लिए ऐड हो सकते हैं। बी किसान ग्रुप में क्रॉप डॉक्टर जो जो करना चाहते हैं उनको फ्री में 90 डेज का एजुकेशन दिया जा रहा है, और खुद अपनी फसल के कैसे चिकित्सक बने। मैं ये सेशन ले रहा था मिट्टी का स्प्रे करके आप अपनी किसी भी फसल को कैसे यूनिक बना सकते हैं। इसमें एक मित्र हैं, उन्होंने यूनिक पेटेंसी ले रखी है चावल में, मैं उनका एक उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मिट्टी का केवल स्प्रे करके उन्होंने चावल की फसल को यूनिक बना दिया है। कई सारे न्यूट्रिशन इन्हेंस होते हैं उसमें। चावल की जब हम नर्सरी डालते हैं उस नर्सरी में केवल मिट्टी का स्प्रे, जब वो नर्सरी निकाल करके खेत में हम बोते हैं तो पहले 7-7 दिन में, फिर 14-14 दिन में स्प्रे हम करते हैं, तो इस चावल में कोई फर्टिगेशन नहीं किया जाता, और ये चावल जब हार्वेस्टिंग होकर के बाहर आता है तो इस चावल में कई सारे न्यूट्रिशन एनहेंस होते हैं, और इसमें पेटेंसी ले रखी कुछ मित्रों ने, इस तरह के चावल को पका करके उसको खिलाने की।
इसमें यूनिक चीज क्या है बताऊं मैं, जिन मित्रों को सूर्य अस्त के बाद नजर नहीं आता है वो इस मिट्टी के स्प्रे के बने हुए चावल को खाएंगे तो आंखों की रोशनी बड़ी होती है और रतौंधी जाती है। रतौंधी बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश निमाड़ में, पता नहीं आपके वहां पर क्या बोलते हैं। यही स्प्रे हम हमारे बनाना की फील्ड में करते हैं, आप अगर VM स्प्रे देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे मित्र हमसे जुड़ रहे हैं गेहूं चावल अनाज के लिए और पूरे भारत को हम रेसिड्यू फ्री अन्न खिला रहे हैं। तो फार्मर जो VM स्प्रे से हमारे साथ में अन्न उगाने के लिए जुड़ रहे हैं उनसे हम दो गुना लागत में अनाज खरीदते हैं। जैसे गेहूं जो प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमारे साथ चलते हैं तो उनको हम 20 रुपये केजी की बजाय हम उनको 40 रुपये केजी का पैसा देते हैं। उनके उत्पादन में कहीं भी घटोतरी नहीं होती है, बढ़ोतरी होती है। और जो पब्लिक पूरे भारत की जो पब्लिक हमसे अन्न लेती है रेसिड्यू फ्री, कैंसर केमिकल मुक्त रेसिड्यू फ्री अन्न जो चाहते हैं उनको हम ट्रेसेबिलिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत गेहूं दलहन दालें और गेहूं अभी हम दे रहे हैं। आपको गेहूं चाहिए तो हम आपको फार्मर आइडेंटिफाई करेंगे पूरे भारत में, वो फार्मर किस जगह पर है उनका पिन ड्रॉप लोकेशन भेजेंगे। आपको अगर 5 क्विंटल गेहूं चाहिए तो आपका गेहूं उस फार्मर के कौन से ब्लॉक में बोया जा रहा है उसके हर 7-7 दिन के वीडियोस आपके पास आएंगे कि फार्मर खेत में क्या काम कर रहा है, जियो लोकेशन के साथ आएगा। और वह जब गेहूं बोएगा उसको टेक केयर करेगा और गेहूं निकालेगा और हार्वेस्टिंग करके उसको सफाई करके बैग पैक करेगा, वहाँ से वहाँ तक का सभी चरण का एक एक वीडियो आपके पास आएगा, एक QR कोड के साथ में आएगा और आपको ट्रेसेबिलिटी के साथ मिलेगा रेसिड्यू फ्री केमिकल फ्री गेहूं। ये टेक्नोलॉजी में हम मिट्टी के स्प्रे का प्रयोग करते हैं, VM स्प्रे का प्रयोग करते हैं और आपके गेहूं का आपकी दलहन का न्यूट्रिशन इंक्रीज होकर के हायर लेवल तक जाता है। छोटी सी बात बताऊं, महाराणा प्रताप के भाले का वजन किसी को पता है? शायद मेरे वजन से ज़्यादा होगा। वो भाला लेकर चलते थे, खड्ग लेकर चलते थे, उनका खुद का पोशाक था और वो खुद अपने आप में बल्कि थे और घोड़ा दौड़ाते थे। क्यों? उस समय जो पालक में आयरन का कंटेंट था आज की पालक में है क्या? प्रश्न पूछो अपने आप से। ऑर्गेनिक फूड खाना अच्छी बात है लेकिन केमिकल रहित न्यूट्रिशन युक्त फ्रूट खाना ये ज़्यादा सही बात है। केवल ऑर्गेनिक के नाम पर हम कुछ भी खाएं उसकी बजाय न्यूट्रिशन रिच फूड खाएं हम, और हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड रहित रेसिड्यू फ्री अन्न हम खाएं ट्रेसिबिलिटी के साथ बी किसान ग्रुप के साथ, तो आपका स्वागत है। और पूरे भारत के फार्मरों को मैं इन्वाइट करता हूँ, आप अपने क्षेत्र में ट्रायल लो, डेमो लो, पहले देखो उसके बाद में आगे बढ़ो। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे अडॉप्ट करो। हम कम से कम 100 से ज़्यादा फील्ड पर इसको ट्रायल लेते हैं, उसके बाद में हम संतुष्ट होते हैं तब पब्लिक तक यह चीज़ पहुँचाते हैं। मेरा नाम बलराम किसान है और मैं बी किसान ग्रुप से हूँ। आप सभी को अगर यह मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों तक शेयर करो ताकि वह भी केमिकल रहित खेती पर आएँ और न्यूट्रिशन सहित खेती पर जाएं। और जो मित्र लर्न एंड अर्न पर भाग लेना चाहता है वह किरण सपकाले जी से बात करें, और इस वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे अगर हम टच करते हैं तो हमें पैसा नहीं लगता है और मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।